सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आपको कल का सेशन में जो हमने चार्टर एक्ट्स पढ़े थे वो चारों चार्टर एक्ट्स की जो कहानी है वो क्लियर है। आज का जो सेशन है वो कल के सेशन से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द येस्टरडे सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तीनों 1858, 1919 और 1935। और आप सबको पता होगा 1935 की इम्पॉर्टेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो इन तीनों एक्ट्स के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो पढ़ेंगे कि कैसे ये तीनों एक्ट्स की जो भूमिका थी वो रखी गई, क्या इन एक्ट्स का बेसिस था और क्यों इन एक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया गया, क्या क्या इन एक्ट्स के क्रिटिसिज्म थे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सेशन। बट बिफोर वी बिगिन, इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप फॉर यूपीएससी GS2 फ्री कोर्स, जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन। और उस टेलीग्राम ग्रुप पे यू विल गेट सम फ्री PDFs एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेशंस एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द कोर्सेज। राइट, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की। और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस एक्ट को 1858 को लाने की जरूरत क्या थी। तो आई होप आपको सबको पता होगा कि यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से कंपनी रूल को एबॉलिश कर दिया गया और पूरी की पूरी तरीके से क्राउन ने अपना रूल जो है वो एस्टैब्लिश कर लिया था इंडिया में। यानी कि जो इंडिया के अफेयर्स थे वो डायरेक्टली अब कंट्रोल में आ गए थे, किसके, ब्रिटिश पार्लियामेंट के, ब्रिटिश क्राउन के। पर ऐसा करने की ज़रूरत क्या पड़ी, तो अभी हमने चार्टर एक्ट्स में और उससे पहले जो पिट्स इंडिया एक्ट था या रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 वाला, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिश क्राउन ने धीरे धीरे करके जो कंपनी के अफेयर्स थे उसके ऊपर कंट्रोल जमाना शुरू किया था। फिर अचानक से धीरे धीरे करके उन्होंने उनकी जो पावर थी उसको कंट्रोल करना शुरू करा। बट ऐसा क्या हुआ कि अचानक से जो चार्टर एक्ट 1853 जो कि 5 साल पहले ही आया था, ऐसा क्या हुआ कि अचानक से कंपनी रूल को ख़त्म कर दिया गया और क्राउन रूल इस्टेब्लिश किया गया इंडिया में, तो जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइज, इसका जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो रिवोल्ट था उसके बाद से ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो कि वहाँ पर बैठी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उनको ये लगने लगा, या ब्रिटिश क्राउन को हम कह सकते हैं, उनको ये लगने लगा कि जो अब इंडियंस हैं उनके अंदर डिसकंटेंट बढ़ता जा रहा है टुवर्ड्स द ईस्ट इंडिया कंपनी, और अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की नहीं है कि वो इंडिया के अफेयर्स को मैनेज कर सके। और इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को ख़त्म कर दिया जाएगा और अब जो एस्टैब्लिश होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्राउन रूल। ऑलराइट, अब जो 1857 के जो रिवोल्ट थे उसके बहुत सारे रीजंस थे, ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, वैसे मैं आपको फिर भी बता देता हूँ इंडियंस के अंदर जो बेसिक डिसकंटेंट था टुवर्ड्स द ईस्ट इंडिया कंपनी वो किन रीजंस की वजह से था, और उसी रीजंस की वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। पर उसके बहुत सारे रीजंस थे, जैसे एक इकोनॉमिक रीजन था। इकोनॉमिक रीजन था कि बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेशन ईस्ट इंडिया कंपनी लगाती थी पीजेंट्स के ऊपर, जिसके लिए पीजेंट्स को डिपेंडेंट होना पड़ता था, जो हाई इंटरेस्ट पर पैसा देते थे उन लोगों को उनके ऊपर, और इस तरीके से वो विशियस साइकिल में फंसते चले जाते थे ऑफ द लोन एंड द इंटरेस्ट। इसके अलावा इकोनॉमिक कॉजेज में अगर हम बात करें तो हैंडीक्राफ्ट जो वर्क था इंडिया का वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, जो हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले लोग थे उनके गुड्स बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, उनको रिप्लेस कर दिया गया था बाय द ब्रिटिश गुड्स। तो ये थे कुछ इकोनॉमिक कॉजेज। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी थे, पॉलिटिकल कॉजेज भी थे 1857 रिवोल्ट के। वो क्या थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक बहुत बड़ा रीज़न था। इसके अलावा जो ब्रिटिश की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी वो हर मतलब इंडिया में हर जगह पे वो हर स्टेट में जाके राज करना चाह रहे थे, तो ये पॉलिटिकल कॉजेज थे जिसकी वजह से लोगों के अंदर डिसकंटेंट बढ़ता जा रहा था। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज भी थे बहुत सारे, रैम्पेंट करप्शन था, बहुत ज़्यादा करप्शन था ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के अंदर, बहुत ही तगड़ा करप्शन, तो जिसकी वजह से लोगों के अंदर डिसइंटरेस्ट डिसकंटेंट बढ़ने लगा टूवर्ड्स द कंपनी। इसके अलावा कुछ सोशल रिलीजियस कॉजेज भी थे। सोशल रिलीजियस कॉजेज क्या थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब सती प्रथा की एबॉलिशन कर दी गई थी, वीडो रीमैरिज एक्ट को प्रमोट किया जा रहा था, सपोर्ट किया जा रहा था बाय द कंपनी, वुमेन एजुकेशन की बात की जा रही थी बाय द कंपनी। तो ये सभी चीज़ें जो उस समय हमारे देश का सोशल फैब्रिक था उसके खिलाफ था, तो इंडियंस को ये लगने लगा कि बाहर से आए हुए कुछ लोग हमारे कल्चर के ऊपर डेंट लगा रहे हैं, तो वो हमें बर्दाश्त नहीं है, जिसकी वजह से जो डिसकंटेंट था वो बढ़ता चला गया और वो आउटबर्स्ट हुआ इन द फॉर्म ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। और इस रिवॉल्ट के दौरान ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश क्राउन थी, उनको ऐसा एहसास हुआ कि अब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके बस का इंडियन अफेयर्स नहीं है, तो अब समय आ गया है कि क्राउन रूल एस्टैब्लिश किया जाए टू मैनेज द इंडियन अफेयर्स इनटू द इंडिया। ओके, तो ये था बेसिक रीज़न कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्यों लाया गया। ऑलराइट,
अब इसकी कुछ बेसिक फीचर्स की बात करते हैं। सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या था, ऑफिस ऑफ द वॉइसराय बनाया गया था। ऑफिस, एक नया ऑफिस बनाया गया ऑफ द वॉइसराय। एंड ऑफ कोर्स द फर्स्ट वॉइसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वॉइसराय। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन जनरली रहती है और कई बुक्स में ये चीज़ लिखी भी हुई है कि ऑफिस ऑफ वॉइसराय बनाया गया बाय अबॉलिशिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल, बट ऐसा नहीं था। ऑफिस ऑफ वॉइसराय बनाया गया, नया ऑफिस था, लेकिन ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल जो था ऑफ इंडिया वो था, अभी भी था एग्जिस्टेंस में। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, अब क्योंकि वॉइसराय और गवर्नर जनरल उनके जो फंक्शंस थे वो ऑलमोस्ट सेम थे, बट थोड़ा सा उनमें डिवीजन था, इस चीज़ में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो या कोई टसल क्रिएट ना हो दोनों ऑफिस में, ये बोला गया ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा कि दोनों ऑफिस एक ही पर्सन होल्ड करेंगे, यानी गवर्नर जनरल जो होंगे वही वॉइसराय होंगे, या जो वॉइसराय होंगे वही गवर्नर जनरल होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल अभी भी था, ऑफिस ऑफ वॉइसराय एक नया बनाया गया, और दोनों ही ऑफिस के जो हेड थे वो एक सिंगल पर्सन होंगे, जो कि सबसे पहले कौन से थे, लॉर्ड कैनिंग। ऑलराइट, वन सेकंड, या सो लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वॉइसराय एंड ही वाज आल्सो द गवर्नर जनरल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब इनकी जो ऑफिस थी उनमें बाइफर्केशन करने के लिए उन्होंने ये बोला कि जो गवर्नर जनरल होंगे वो क्या करेंगे, वो इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान देंगे, इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान देंगे, और जो वॉइसराय का ऑफिस होगा, वॉइसराय का जो ऑफिस होगा वो बात करेगा डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। ठीक है, किनकी बात करेगा, वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो होंगे इंडिया के विद अदर कंट्रीज वो उसके ऊपर फोकस करेगा। ऑलराइट, वॉइसराय के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसको, जो कि पहले से चली आ रही थी गवर्नर जनरल वाली, उसी को आगे चल के बोला गया क्या, काउंसिल ऑफ फोर। वॉइसराय को असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल थी जिसको काउंसिल ऑफ फोर बोला गया था, जिसमें चार मेंबर्स हुआ करते थे। ऑलराइट, तो ये था नया ऑफिस ऑफ वॉइसराय बनाया गया। एंड रिमेंबर, ऑफिस ऑफ वॉइसराय बनाने के साथ साथ गवर्नर जनरल का ऑफिस अबॉलिश नहीं हुआ था, बट इतना ध्यान रखना है आपको कि दोनों ऑफिसेज एक पर्सन द्वारा ही होल्ड किए जाते थे। ओके, जो गवर्नर जनरल था उसका काम था एडमिनिस्ट्रेशन देखना ऑफ इंडिया, एंड वॉइसराय के ऑफिस का काम था टू मैनेज द डिप्लोमेटिक रिलेशन, एंड ऑफिस ऑफ वॉइसराय को असिस्ट करने के लिए देयर वाज अ काउंसिल ऑफ फोर। राइट, इसके अलावा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया इन द, और ये जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये हेड करता था किसको, इंडिया ऑफिस को। ओके, इंडिया ऑफिस को ये हेड करता था, एंड दिस इंडिया ऑफिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हाइट हॉल लंडन। व्हाइट हॉल लंडन में एक इंडिया ऑफिस बनाया गया टू मैनेज द इंडियन अफेयर्स, टू कंट्रोल द इंडियन अफेयर्स। वहां से बैठे बैठे इंडिया के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एक ऑफिस बनाया गया जिसको बोला गया इंडिया ऑफिस, और उस इंडिया ऑफिस का जो हेड था वो कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ओके, और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के कैबिनेट का मेंबर होना चाहिए था, या यूँ कह सकते हो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट हुआ करती थी ये उसका एक मेंबर हुआ करता था कन्वेंशनली। ऑलराइट, एंड यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली है कि इनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स की काउंसिल भी बनाई गई थी, 15 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई टू असिस्ट द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट विच यू नो देन हेड्स द इंडिया ऑफिस। और ये इंडिया ऑफिस क्यों बनाया गया था, मैंने आपको बता दिया, टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द इंडियन अफेयर्स, इंडिया के जो अफेयर्स थे उसको वहां से बैठे बैठे कंट्रोल करने में। अब वहां से बैठे बैठे कंट्रोल करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव तो चाहिए था, और वो रिप्रेजेंटेटिव कौन हुआ करते थे, वॉइसराय और गवर्नर जनरल। ऑलराइट, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था जिससे काफी लोग परेशान थे उसको एबॉलिश कर दिया गया। जो प्रिंसली स्टेट्स बहुत ज्यादा दुखी थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से उसको एबॉलिश कर दिया गया। एंड आई होप आप सबको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पता है, आपने मॉडर्न इंडिया में जरूर पढ़ा होगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस एक्ट के थ्रू ये हुई थी कि इंडियन सिविल सर्विसेज को ऐसा बोला गया कि इंडियन सिविल सर्विसेज बनाया जाएगा और इंडियंस को भी अलाउ किया जाएगा कि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। बट ऑल्दो इस टाइम इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो नहीं पाई, इंडियन सिविल सर्विसेज आगे चल के बना, बट इस एक्ट में बोला गया था कि यस इंडियन सिविल सर्विसेज हम बनाएंगे जिसमें हम इंडियंस को भी मौका देंगे पार्टिसिपेट करने का। ऑलराइट, तो ये कुछ चार इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कोई बहुत अच्छा एक्ट नहीं माना जाता है बिकॉज इस समय, मतलब इंडियंस के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है बिकॉज इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया गया था। बस ये था कि जो कंट्रोल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हटा के कहाँ चला गया था, ब्रिटिश क्राउन के पास, दैट्स इट। इंडियंस का इसमें कोई फायदा नहीं था, बट हाँ ये कह सकते हो कि प्रिंसली स्टेट्स का यहाँ पे एक फायदा हुआ था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अबॉलिश कर दिया गया था, ये था, बस इसके अलावा कोई खास फायदा नहीं था। ऑलराइट, सो दिस वॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब आ जाओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने 1919 तक रूल किया, बढ़िया से इम्प्लीमेंट, जो हमारे देश के कानून था, कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको चलाया, हमारे देश में अफेयर्स को मैनेज किया। तो अब ऐसा क्या हुआ 1919 में जाके कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक और एक्ट पास करना पड़ा
उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े। तो ब्रिटिश का ये कहना था, अब बेसिकली जब गांधी जी जब इंडिया आ गए थे 1915 में, तो उस टाइम डिमांड बढ़ गई थी किसकी, फेडरेशन की, कि हमें हमारे देश में फेडरेशन चाहिए साहब, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है हम आपको फेडरेशन देंगे, तो उसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है वो लेके आ रहे हैं, इनैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक जो इसका ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट को लाने का, वो था फेडरेशन स्थापित करना इंडिया में, और दूसरा ये था कि इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना इनटू दी फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए दिस एक्ट वॉज इनैक्टेड इन द ईयर 1919, ओके। और दूसरा रीजन क्या था, फेडरेशन, जो फेडरेशन की डिमांड थी कांग्रेसियों की, महात्मा गांधी की और भी पार्टीज की और जो नेशनलिस्ट थे उनकी, उसको फुलफिल करना इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था। बट क्या वो फुलफिल हुआ, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट एक फेडरेशन देने में सक्सेसफुल हुई, नहीं। तो चलिए बात करते हैं कैसे क्या हुआ था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे जो बड़ी डिमांड थी वो किस चीज़ की थी, फेडरेशन की थी, कि हमें फेडरेशन चाहिए साहब, आप हमें फेडरेशन बना के दोगे, और जो हमारी लेजिस्लेटिव पावर्स जो आपने चार्टर एक्ट 1833 में हमसे बिल्कुल छीन ली थी, अगर आपको याद हो हमने कल ही पढ़ा था चार्टर एक्ट 1833 में, जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनसे लेजिस्लेटिव पावर खत्म कर उनकी छीन ली गई थी। तो जो आपने चार्टर एक्ट हमसे छीन लिया था वो हमें सॉरी जो आपने लेजिस्लेटिव पावर्स हमने हमसे छीन लिए थे थ्रू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वो अब हमें वापस कर दो, अब हमें चाहिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए, हम अपने प्रोविंसेस में खुद कानून बनाएंगे और अपने प्रोविंसेस पे खुद लेजिस्लेचर बना के खुद उस पर रूल करेंगे, ऐसा बोला, ऐसी डिमांड थी बेसिकली इंडियंस की। तो इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश इंडिया ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोशिश करी कि तो चलो हम तुम्हें फेडरेशन देते हैं, पर क्या वो फेडरेशन दे पाए या नहीं दे पाए बात करते हैं। तो सबसे पहली बात हुई यहाँ पे सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, यानी कि जो सब्जेक्ट हुआ करते थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जो लेजिस्लेटिव मैटर्स थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया इनटू सेंट्रल सब्जेक्ट्स एंड द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में उनको बोला गया कि ठीक है जी आप जाओ कानून बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, और सेंट्रल के जो सब्जेक्ट होंगे उस पर जो वॉइस रॉय है और जो ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल है जो उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी वो कानून बनाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। बाई कैमरलिज्म में क्या हुआ, दो हाउसेज बनाए गए, एक लोअर हाउस था जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, और एक अपर हाउस था जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स था। अब यहाँ पे क्या था कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स था ना, इसके पास बहुत कम पावर्स थी, यानी कि इसकी जो पावर्स थी ये केवल एडवाइजरी पावर्स थी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेंट था इनटू द फेडरेशन। फेडरेशन में क्या होता है, अभी राज्यसभा के पास लॉ मेकिंग लेजिस्लेटिव पावर्स हैं कि नहीं है, बिल्कुल है, जब तक कि राज्यसभा में बिल पास नहीं होगा तब तक वो एक्ट बन ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ स्टेट था उसको केवल एडवाइजरी पावर दी गई और बोला गया कि साहब आपकी जो पावर्स होंगी वो केवल एडवाइजरी होंगी, आपकी लेजिस्लेशन में कोई पावर्स नहीं है, ठीक है। तो बाइकैमरलिज्म दिया गया बट वो पूरा अच्छे से नहीं दिया गया, और पहली बार यहाँ पे बात की गई किसकी, डायरेक्ट इलेक्शंस की बात की गई। अच्छा, जो डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे बात की गई ना, वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट सफराज नहीं था, या यूं कहें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात वहाँ पे नहीं की गई, केवल कुछ कंडीशंस के साथ ही इंडियंस को मतलब कुछ ही इंडियंस ऐसे थे जिनको वोट करने का अधिकार था, और उसमें बहुत सारी कंडीशंस लगी हुई थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई वोट करना चाहता है तो वो किसी यूनिवर्सिटी सेनेट का मेंबर होना चाहिए, या उसके पास लेजिस्लेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर उसने 3,000 रुपये का लैंड रिवेन्यू पे करा है, या फिर उसके पास कोई जिससे कि उसको रेंटेड प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके के बहुत सारे कंडीशंस थे, उन कंडीशंस को अगर कोई फुलफिल करता था तो केवल वही वोट कर पाता था, और वो बहुत ही कम लोग थे हमारे देश में ऐसे जो कि इन कंडीशंस को फुलफिल कर सकते थे, राइट। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये थी कि गवर्नर जनरल की परमिशन चाहिए होती थी हर बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले, हर बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले गवर्नर जनरल की परमिशन चाहिए। अब गवर्नर जनरल को अगर लगेगा कि भाई ये बिल अच्छा नहीं है तो वो मना कर देगा, तो वो बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, तो बेसिकली ये फेडरलिज्म तो हुआ ही नहीं, राइट। इसके अलावा गवर्नर जनरल के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दे दी गई कि वो किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी इशू के ऊपर ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे, और इसमें उनको लेजिस्लेचर से यानी कि लोअर हाउस से, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वहाँ से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। एक अच्छी बात ये हुई कि जो 3 मेंबर्स थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आउट ऑफ 6, इस समय तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर हो गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 तक, उसमें से 3 मेंबर्स ये बोले गए कि हम जो है इंडियंस को नॉमिनेट करेंगे, ओके। अब ये 6 कैसे हो गए, अभी तो हमने पढ़ा 1858 में 4 थे, 6 कैसे हो गए, तो मैं बता देता हूँ। काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट आप सबने सुना होगा,
इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में एक मेंबर और जोड़ा गया, फिफ्थ मेंबर, ठीक है। और उसके बाद 1874 में एक और सिक्स्थ मेंबर जोड़ दिया गया फॉर दी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स। तो इंडियन काउंसिल एक्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना ध्यान रखो कि जो चार से छह मेंबर्स हुए थे वो कैसे हुए थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में फिफ्थ मेंबर ऐड हुआ था और 1874 में सिक्स्थ मेंबर ऐड हुआ था, जो कि पब्लिक वर्क्स के को मैनेज करने के लिए ऐड किया गया था। ओके, तो ये था पूरा कच्चा चिट्ठा किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब यहाँ पे देखो, फेडरलिज्म बनाने की कोशिश तो करी इन्होंने, लेकिन वहां पे लूपहोल छोड़ दिए। क्या लूपहोल छोड़ दिए? एक्सक्लूसिव पावर्स इसको दे दी गवर्नर जनरल को, कि उसके परमिशन के बिना कोई बिल पास नहीं होगा। दूसरी चीज, बाइकैमरलिज्म तो दिया, लेकिन काउंसिल ऑफ स्टेट्स को एडवाइजरी पावर दे दी, उसके पास लेजिस्लेटिव पावर ही नहीं थी। डायरेक्ट इलेक्शंस तो दिए, पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ही नहीं दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने कुछ लूपहोल छोड़ दिए ताकि पूरे का पूरा फेडरेशन स्थापित ना हो पाए। ओके, इसके बाद बात करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। अब जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उनकी डिमांड थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, कि हमें तो चाहिए जी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जिसमें लेजिस्लेचर जो है वो पूरे कानून बनाएगा पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से। लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो नहीं दी, इन्होंने प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को बांट दिया दो पार्ट्स में, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट, और इंट्रोड्यूस किया किसको, डायरकी को। इनसे मांगी हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इन्होंने दी हमें डायरकी। और डायरकी क्या था, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए इन्होंने। इन्होंने बहुत अच्छे दिमाग से काम किया कि एक लॉलीपॉप भी दे दिया जाए और अपना जो है काम भी बन जाए। पर इंडियंस लॉलीपॉप से सहमत होने वाले नहीं थे, क्योंकि उस समय नेशनलिस्ट ने बहुत अच्छे से मतलब जो स्ट्रगल था उसको कैरी फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया था। तो रिजर्व सब्जेक्ट्स क्या थे, ये रिजर्व सब्जेक्ट्स बोला गया कि जो गवर्नर होंगे प्रोविंस के वो रिजर्व सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाएंगे और अपने एग्जीक्यूट जो उनकी काउंसिल होगी उससे कंसल्ट करेंगे, इसमें लेजिस्लेचर का कोई लेना देना नहीं होगा। और रिजर्व सब्जेक्ट में रख दिया सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे डिफेंस रख दिया, लॉ एंड ऑर्डर रख दिया, फाइनेंस रख दिया, फॉरेन अफेयर्स रख दिए, सारी चीजें उसमें रख दी। इसके अलावा ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या करा, ट्रांसफर सब्जेक्ट में बोला कि ठीक है इसमें गवर्नर जनरल जो है वो कानून बनाएंगे, यानी कि जो लेजिस्लेचर होगा वो कानून बनाएगा, लेकिन यहाँ पे जो पावर्स थी वो किसके पास थी, लेजिस्लेचर के पास थी। यानी कि अगर कोई लेटर से कोई पर्टिकुलर टॉपिक है एजुकेशन, तो एजुकेशन मिनिस्टर उस पर कानून बना सकता है और लेजिस्लेचर बेसिकली मिलकर कानून बनाएगी। यहाँ पे गवर्नर जनरल को कंसल्ट करना पड़ेगा विद द लेजिस्लेचर। ओके, तो रिजर्व सब्जेक्ट में जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा के किसको दे दिए, गवर्नर को। गवर्नर को ये बोला गया, जो प्रोविंस का गवर्नर था, कि आप इस पे कानून बनाओगे, अपने एग्जीक्यूटिव का अपनी जो आपकी काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपकी जो होगी उससे आप कंसल्ट करोगे और आप कानून बना दोगे। और ट्रांसफर सब्जेक्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं थे, उसमें बोला गया कि ठीक है गवर्नर जो होंगे वो लेजिस्लेचर का कंसल्ट, लेजिस्लेचर से कंसल्ट करेंगे, लेजिस्लेचर के थ्रू वो कानून पारित होगा। तो यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ी कर दी। तो ऑब्वियसली ये दिस इज नॉट अ फेडरेशन। तो एक्सक्लूसिव पावर किसके हाथ में रही, गवर्नर के हाथ में रही, क्योंकि अब यहाँ पे एक कंडीशन और डाल दी कि ट्रांसफर सब्जेक्ट में भी अगर गवर्नर को कभी लगे तो वो जो है वो इंटरफेरेंस कर सकता है। मतलब कि अगर जैसे यहाँ पे क्या होता है हमारे देश में, कि जो गवर्नर होते हैं स्टेट्स के वो लेजिस्लेचर में इंटरफेरेंस नहीं करते कि अनलेस कि जब उनके पास वो जाता है बिल, तो एसेंट या डिसेंट वाली बात है, बट उनको एसेंट वो देना ही पड़ता है। यहाँ पे क्या था कि गवर्नर के पास एक्सक्लूसिव पावर दे दी गई कि भैया ऐसा है कि आपको अगर कभी भी लगेगा कि ट्रांसफर सब्जेक्ट में आप अगर कुछ इंटरफेरेंस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें एक और बात की थी कि गवर्नर का कंसेंट रिक्वायर था, तो अगर लेजिस्लेचर में भी कोई कानून जाएगा, कोई बिल जाएगा, कोई एक्ट जाएगा पास होने के लिए, तो गवर्नर का कंसेंट तो चाहिए। तो अगर गवर्नर को अच्छा नहीं लगेगा, गवर्नर को वहां से ऊपर से मनाही आ जाएगी गवर्नर जनरल के ऑफिस से कि बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल पास नहीं होना चाहिए, तो बिल पास नहीं होगा। तो बेसिकली अभी पावर्स किसके हाथ में थी, पूरी की पूरी गवर्नर के हाथ में ही थी। लेजिस्लेचर बनाई गई बट उसके पास कोई खास पावर नहीं दी गई। ओके, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत था इस एक्ट का। इसके अलावा जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है ना, उसको एक्सटेंड कर दिया। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आई होप आपको पता होगा, आपने मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स पढ़ा होगा, ये हम पढ़ेंगे मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स, बट आज जो है अभी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स जो थे 1909 के, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोलते हैं, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी फॉर द मुस्लिम्स। ऑलराइट, इफ यू हैव रिमेंबर कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी फॉर द मुस्लिम्स। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में इस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया और सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया। किनके लिए, सिक्स के लिए, किनके लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, किनके लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए। तो इन सभी के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो बना दिया गया, यानी कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और एक्सटेंड कर दिया। एक ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर बनाया गया
टू मैनेज दी अफेयर्स ऑफ इंडिया, और जो कुछ फंक्शंस थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के वो ट्रांसफर कर दिए ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर को, ताकि जो ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसका जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम किया जा सके। पब्लिक सर्विस कमीशन की यहाँ पे बात हुई, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाएगा जी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाएगा और 1926 में बना दिया गया सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो कि आज का क्या है यूपीएससी, ठीक है। इसके अलावा बात करी गई कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा और वो ये इंक्वायर करेगा कि ये जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये क्या अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, ये इसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को चेक करेगा कि वेदर दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज अंडर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और नॉट। एंड इफ यू ऑल रिमेंबर साइमन कमीशन बनाया गया था, साइमन कमीशन 2 साल पहले 1927 में ही बना दिया गया था, और साइमन कमीशन का काम बेसिकली यही था कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में कुछ अमेंडमेंट्स जो है सजेस्ट करे और उस अमेंडमेंट्स के आधार पर फिर एक नया एक्ट लेके आया जाएगा। राइट, तो ये था दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जो था वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, और रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ क्यों। सबसे पहला रीज़न था कि इंडियंस ने मांगा फेडरलिज्म, आपने हमें दिया डायर की, इंडियंस ने मांगा बाई कैमरलिज्म प्रॉपर, आपने दिया हमें काउंसिल ऑफ स्टेट लेकिन वो भी एडवाइजरी पावर वाला। इसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर्स आपने प्रोविंसेस को दी तो सही, पर एक्सक्लूसिव पावर्स किसके हाथ में छोड़ दी, वहाँ के गवर्नर्स के हाथ में, और गवर्नर किसके कंट्रोल में थे, ब्रिटिश क्राउन के। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बात करो तो जो परमिशन चाहिए होती थी गवर्नर जनरल की हर बिल पे के इंट्रोडक्शन से पहले, तो वो भी कोई फेडरलिज्म का पार्ट नहीं था। तो बेसिकली ये एक्ट जो था वो बुरी तरीके से फेल हो गया इन एस्टैब्लिशिंग फेडरेशन इन इंडिया। इसके अलावा अब ये जो एक्ट था 1919 का, अब इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। इनफैक्ट कांग्रेस ने एक स्पेशल सेशन बुलाया अंडर हसन इमाम्स प्रेसिडेंसी, हसन इमाम्स की प्रेसिडेंसी में एक स्पेशल सेशन बुलाया और बोला कि भाई, डिक्लेयर किया कि दिस एक्ट इज कम्प्लीटली अनसेटिस्फैक्ट्री, हमें ये एक्ट मंजूर बिल्कुल भी नहीं है, हमें चाहिए थी फेडरेशन, आपने हमें नहीं दी। और इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत इसकी थी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो था उसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, उसको तो खत्म करना चाहिए था ना आपको, उसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया। चौथी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इसका क्रिटिसिज्म था, लूप होल था, डायरेक्ट इलेक्शन की आपने बात तो कर ली लेकिन फ्रेंचाइजी कितनी थी, बहुत ज़्यादा लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी, मतलब 67% ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कुड वोट, केवल 6-7% ब्रिटिश इंडिया ऐसा था जो कि वोट कर सकता था। तो ये तो डायरेक्ट इलेक्शन केवल नाम का हुआ, राइट। और दूसरी चीज़, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं दी आपने हमें, तो इसका बहुत ज़्यादा पुरजोर विरोध हुआ। इसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है आप सबने सुना होगा, मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई। तो ब्रिटिशर्स को ने फिर इसके रिटेलिएशन में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रिटेलिएशन में रॉलेट एक्ट भी इशू किया था। तो ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्दो द पार्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया, वो हम कभी अगर मॉडर्न इंडिया की क्लासेस होगी तो हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को एक्सेप्ट नहीं किया गया बाय द इंडियन नेशनलिस्ट। तो अब क्या हुआ, अब हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लाया गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्यों लाया गया, पहले हमें इसकी बात करनी पड़ेगी। तो देखो भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पहली बात तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस वॉज द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे देश का इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली और तब से लेके 1950 जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब तक हमारे देश को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए था, तो वो कौन था एट दैट टाइम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही था जिसके बेसिस पर हमारा देश चल रहा था, यानी कि इट वॉज द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ऑल्सो दिस वॉज द यू नो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आधार है, जो बेसिस है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे भी रखा गया था। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बेसिकली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ ऑल, जितने भी एक्ट हम पढ़ेंगे उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला। ओके, तो 1935 का एक्ट अब क्यों लाया गया इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो साइमन कमीशन बनाया गया था 1927 में, ठीक है, साइमन कमीशन बनाया गया 1927 में, और साइमन कमीशन ने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट करे, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि डायरकी को एबॉलिश कर दिया, डायरकी जो है उससे खुश नहीं है इंडियंस, उनको आप दे दो कोई बात नहीं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इन्होंने बोला, इससे मतलब इन्होंने ये सजेस्ट किया कि बेसिकली आप जो है फेडरेशन बनाओ इंडिया में, बट सब्जेक्ट टू अ सर्टेन कंडीशन। ओके, फिर इसके बाद जब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1930 में, साइमन कमीशन की डिटेल्ड रिपोर्ट हमारे मतलब पढ़ेंगे, उसको हम अलग से पढ़ेंगे, वो एक बहुत अलग टॉपिक है।
क्योंकि अगर मैं यहाँ पे साइमन कमीशन की डिटेल रिपोर्ट लेके आऊंगा तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में सिर्फ इतना ही लेना देना है कि इट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन रिपोर्ट, राइट। तो साइमन कमीशन ने रिपोर्ट पेश करी 1930 में, फिर तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए, RTC आप सबने पढ़ा होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुए। उन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में यह डिस्कशन किया गया कि साइमन कमीशन के कौन से रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन से रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट फिर इसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज के बाद एक वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आई, वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। और इसके बाद इमर्ज हुआ कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किसके बेसिस पर था, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में डिस्कशन हुई थी उसके बेसिस पे वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इशू किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, और उसके बाद इमर्ज हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसके अलावा कई रीजन थे, एक तो सबसे बड़ा रीजन ये था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो फेल हो गया था वो बहुत बड़ा रीजन था। इसके अलावा एक रीजन ये था कि इंडिया ने सपोर्ट किया था ब्रिटिश को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और जिससे कि इंडियंस की जो डिमांड थी ऑफ इंक्लूजन ऑफ मोर इंडियंस इन टू द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने बोला कि हमने तुम्हारा साथ दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो हमें तो कुछ मिलना चाहिए, तो इसके बदले में उन्होंने क्या डिमांड करा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इंडिया में। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो 1934 में मिस्टर एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया पेश कर दिया था 1934 में। फिर डायर की जो थी वो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री थी, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट और रिजर्व सब्जेक्ट में बटी हुई थी और जो एक्सक्लूसिव पावर थे वो गवर्नर के हाथ में थे, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो थी ही नहीं। इसके अलावा जो 1919 के एफर्ट्स थे वो फेल हो चुके थे पूरी तरीके से फेडरेशन को स्थापित करने में। तो इन सभी रीजंस की वजह से और वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एमर्ज किया गया, उसको लाया गया, उसको इनैक्ट किया गया, राइट। अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की। ऑल इंडिया फेडरेशन की बात कर दी इन्होंने फाइनली यहाँ पे, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात कर दी, पर आगे चल के अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे भी ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं बन पाई, ठीक है। तो बात करते हैं, चलिए अब यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स हो गई, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फेडरेशन का बहुत बड़ा फीचर होता है डिवीजन ऑफ पावर्स। डिवीजन ऑफ पावर्स मतलब फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यहाँ के कानून कौन बनाता, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ के कानून कौन बनाता, प्रोविंसेस। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बनाते, और यहाँ पे अगर कुछ रेजिडरी पावर्स थी वो किसके हाथ में दे दी गई, वॉइसरॉय के हाथ में, ओके। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यही आज का 7th शेड्यूल का बेसिस है। जो 7th शेड्यूल में जो सब्जेक्ट्स 3 parts में डिवाइडेड है ना, कौन कौन से, यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट, उसका जो बेसिस है वो यहीं से आया है। 7th शेड्यूल का बेसिस कहाँ से आया, डिवीजन ऑफ पावर्स, जो कि इन्यूमरेटेड था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, ऑलराइट। तो डिवीजन ऑफ पावर्स की इन्होंने बात करी कि ठीक है, द सब्जेक्ट्स विल बी डिवाइडेड इनटू 3 lists, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट। एंड कॉन्करेंट में दोनों को राइट होंगे लेजिस्लेशन, लॉ बनाने के, लेकिन जो रजिस्ट्री पावर्स होंगी वो किसके पास होंगी, वाइसरॉय के पास। अब यहाँ पे फेडरेशन स्थापित तभी होगा, उन्होंने 2 conditions लगा दी। अब साइमन कमीशन ने बोला था कि भाई साहब कंडीशन जरूर रखना, अगर कंडीशन नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 2 conditions इन्होंने लगा दी फेडरेशन स्थापित करने की, 2 conditions हम आगे पढ़ेंगे अभी नहीं। इसके बाद जो डायर्की थी प्रोविंसेस में उसको अबॉलिश कर दिया गया, डायर्की को अबॉलिश कर दिया गया, लेकिन डायर्की कहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई, सेंटर पे। सेंटर पे जो सब्जेक्ट्स थे उनको 2 parts में डिवाइड किया गया, अगेन ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। यहाँ पे फिर वही बात की गई, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे ना, सॉरी, जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो सारे के सारे किसके हाथ में थे, वाइसराय के हाथ में, या यूं कह लो गवर्नर जनरल के हाथ में, ठीक है। और इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट इशूज थे, फॉरन अफेयर्स, फाइनेंस ले लो, या आप कह लो लॉ एंड ऑर्डर ले लो, डिफेंस ले लो, जितना भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, जितने भी इंपॉर्टेंट इशूज थे वो रख दिए रिजर्व सब्जेक्ट में, जिसका कंट्रोल किसके हाथ में था, वाइसराय के हाथ में। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो थे, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये रखा गया थ्रू द मिनिस्टर्स, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके थ्रू। तो यहाँ पे फिर इंडियंस के अंदर ये बात, इंडियंस को ये बात खटक गई कि यार आप फिर वही काम कर रहे हो, रिजर्व सब्जेक्ट आप हमें कह रहे हो कि आप हमको फेडरेशन दे रहे हो, तो फेडरेशन दे रहे हो तो रिजर्व सब्जेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, जब हमारा डिफेंस आप देखोगे, फॉरेन अफेयर्स आप देखोगे, तो हमारे हाथ में क्या बचा। तो यहाँ पे इंडियंस के अंदर एक डिसइंटरेस्ट आया इस चीज़ को लेके, डिस यू नो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया इस चीज़ को लेके।
इसके अलावा बाइकैमरल लेजिस्लेचर की बात करी, उन्होंने बोला ठीक है आपको हम बाइकैमरल लेजिस्लेचर दे देंगे जिसमें एक काउंसिल ऑफ स्टेट होगी, एक फेडरल असेंबली होगी जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में और फेडरल असेंबली में, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में उन्होंने बोला कि ठीक है 260 मेंबर्स होंगे और फेडरल असेंबली में होंगे 375 मेंबर्स। यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जो मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे 60%, डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे 60% और 40% जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। ओके, प्रिंसली स्टेट्स में से ये नॉमिनेट किए जाएंगे 40%। और यहाँ पे 375 में ये बोला गया इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे पार्टली फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया एंड पार्टली जो है वो नॉमिनेट होंगे फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। ओके, अब यहाँ पे वापस आ जाओ उन दो कंडीशंस पे, जो हमने दो कंडीशंस की बात करी थी कि फेडरेशन तभी लगेगा जब दो कंडीशंस फुलफिल होंगी। अब वो दो कंडीशंस कौन सी थी मैं बताता हूँ। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कितने सीट्स थी, 260, 60% डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, 40% प्रिंसली स्टेट्स होंगे, ठीक है, 40% प्रिंसली स्टेट्स की सीट्स होंगी यानी कि 104। अब यहाँ पे इन्होंने ये कंडीशन लगा दी कि 104 में से कम 52 सीट्स फिल होनी चाहिए और ये जो सीट्स फिल होंगी 52, इसमें इंडिया की 50% पॉपुलेशन गवर्न होनी चाहिए। ये दो कंडीशन इन्होंने लगा दी कि बेटा फेडरेशन तो तभी बनेगा जब प्रिंसली स्टेट्स को देने वाली सीट्स में से 50% सीट्स फिल होंगी और उस 50% सीट्स में इंडिया की 50% पॉपुलेशन आ जाएगी। पर अब हुआ क्या कि प्रिंसली स्टेट्स ने साहब मना कर दिया, प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया, साहब हम नहीं जा रहे आपके फेडरेशन के साथ, हमें आपकी कंडीशन मंजूर नहीं है। तो क्यों मना किया प्रिंसली स्टेट्स ने, क्या रीजन था, मैं बताता हूँ क्या रीजन था प्रिंसली स्टेट्स ने मना किया। वो इसलिए उन्होंने बोला कि देखो यार हमारे पास तो प्रिंसिपल ऑफ सुजरानिटी के थ्रू ऑलरेडी थोड़ी बहुत पावर्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट ऑटोनोमस ऑटोनॉमी है हमारे पास, तो हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना। और दूसरी चीज़ ये है कि आप 40% सीट्स हमें यहाँ पे दे रहे हो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, तो हमारे पास और यहाँ पे जो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे 60% वो ज़्यादातर कौन होंगे, कांग्रेस होंगे या मुस्लिम लीग के होंगे, तो हमारे बंदे तो रहे नहीं, तो हमारे पास तो वैसे भी कोई पावर होनी नहीं है काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, फेडरल असेंबली में, क्योंकि वहाँ पे भी ज़्यादातर जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे ब्रिटिश इंडिया से फेडरल असेंबली में, और बाकी जो बचे कुछ होंगे वो हम नॉमिनेट करेंगे, तो हमारा कुछ खास फायदा है नहीं, तो हम जो है आपके फेडरेशन में शामिल नहीं होना चाहते। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने चाल खेली थी कि ठीक है, उन्होंने कंडीशन ही ऐसी रख दी थी, उन्हें पता था प्रिंसली स्टेट्स मना कर देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक रीजन था डिसकंटेंट का ऑफ द इंडियंस टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स की, आपने यार फेडरेशन बनाने की कंडीशन इतनी बेकार रखी है कि ऑब्वियसली कोई भी प्रिंसली स्टेट नहीं चाहेगा कि उसकी जो पावर से वो कम हो जाए, वो क्यों आएगा फेडरेशन में, ठीक है। तो बेसिकली फेडरेशन स्थापित अगेन वंस अगेन नहीं हो पाया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई, आगे पढ़ेंगे हम, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई, बाइकैमरल लेजिस्लेचर दे दिया गया, लेकिन बाइकैमरल लेजिस्लेचर देने के बाद भी फेडरेशन की कंडीशन थी कि फेडरेशन तो तभी बनेगा कि जब 50% सीट जो होंगी वो फिल होंगी ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स और 50% पॉपुलेशन होगी, पर वो हुआ नहीं, प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया। तो ये था, फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो था उसको और बढ़ा दिया इन्होंने, और बढ़ा दिया, यानी कि जो डिप्रेस क्लास थे, जो बात चल रही थी आप सबको याद होगा कम्युनल अवार्ड की 1932 में, डिप्रेस क्लास को, वुमेन को अलग से और ज़्यादा सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और बढ़ा दिया इन्होंने, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, बात कर दी इन्होंने कि जो प्रोविंसेस थे फाइनली प्रोविंसेस को फाइनली जाके लेजिस्लेटिव पावर्स वापस मिल गए, जो कि चार्टर एक्ट 1833 में बिल्कुल छीन लिए गए थे। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये जो छीन लिए गए थे पावर्स, ये पावर्स धीरे धीरे आए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एकदम से नहीं दी गई है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बाद से जो डिसेंट्रलाइजेशन थी पावर की वो स्टार्ट हो रही थी धीरे धीरे, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1935 में आके पूरी तरीके से दे दी गई। राइट, सो प्रोविंसेस वर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी इन देयर फंक्शनिंग, प्रोविंसेस वर टू डिराइव देयर अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड गवर्नर जनरल, मतलब उनके पास पूरी अधिकार था कि वो जाओ जो मर्जी कानून बनाना बनाओ, गवर्नर हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होगा विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइज हिम, और गवर्नर्स को एक्ट करना पड़ेगा ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, और यू कैन से द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द मिनिस्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स एंड गवर्नर हैड द स्पेशल रिजर्व पावर इन सर्टेन स्पेशल केसेस। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई, मुबारक हो। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करी गई कि एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश करेंगे हम लोग, फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया 1937 में, बट फेडरल कोर्ट आपने एस्टैब्लिश तो कर दिया पर फेडरेशन तो बनी नहीं, इसका मतलब दिस प्रोविजन वॉज नेवर केम इन टू फोर्स, फेडरल कोर्ट तो आपने बना दिया पर फेडरेशन तो है ही नहीं, तो फेडरल कोर्ट का क्या करें हम, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन में यहाँ पे बोला गया कि ठीक है आपने सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना दी है,
1926 में। अब इसके अलावा प्रोविंसेस के लिए प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और दो या दो से ज्यादा प्रोविंसेस के लिए जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की हम स्थापना करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। और जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर काम करने के लिए बनाई गई थी, उसको खत्म कर दिया गया, उसको एबॉलिश कर दिया गया। ऑल्दो एक एडवाइजरी बॉडी बनाई गई टू एडवाइस द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ऑलराइट, तो गाइज ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 और ये था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस। पर इसको भी बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया। इसका क्रिटिसिज्म का रीजन आप समझ गए होंगे, फेडरेशन मिली नहीं, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसको बढ़ा दिया, फेडरेशन आपने दिया पर वो लॉलीपॉप था, एक तरीके से फेक था। तो इसकी क्रिटिसिज्म करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला, दैट इट इज अ मशीन विद स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स विद नो इंजन। ये मशीन है स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स की, बट इसमें कोई इंजन नहीं है। तो इसमें क्या था, न्यूमरस सेफगार्ड्स दिए गए थे गवर्नर जनरल को, वर्क एज द हिंड्रेंसेस इन द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि गवर्नर जनरल के पास अभी भी एक्सक्लूसिव पावर्स थी, वो इंटरफेरेंस कर सकता था। एक्सटेंसिव पावर्स टू वॉइसराइज एंड गवर्नर्स ऑफ प्रोविंसेस इन्फ्लिक्टेड एंगर अमंग द नेशनलिस्ट। अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पे कि जो गवर्नर थी उसके पास स्पेशल रिजर्व पावर थी। ये रिजर्व पावर जो थी ना, इन्होंने बोला कि हम स्पेशल केसेस में लगाएंगे, लेकिन ये स्पेशल केसेस में नहीं लगाते थे, ये सब में लगा देते हैं रिजर्व पावर। जैसे कि अभी दिल्ली में चल रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को बोला है कि आप स्पेशल केसेस में अपनी जो पावर है उसको यूज करोगे GNCTD अमेंडमेंट एक्ट के बाद, लेकिन आप देखना आगे चल के लेफ्टिनेंट गवर्नर हर चीज में अपनी उंगली करेंगे। इसके अलावा जो कम्युनल इलेक्टोरेट था उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया, जो कि बहुत बड़ा रीज़न था एजिटेशन का। प्रिंसली स्टेट सेटिस्फाई नहीं थे, उन्होंने फेडरेशन को ज्वाइन नहीं किया, और जो फ्रेंचाइजी थी वो केवल अराउंड 14% ऑफ द ब्रिटिश इंडिया को दी थी। तो ये किस बात का डायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन नाम का आप करवा रहे हो जी, इस डायरेक्ट इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद से हम पढ़ेंगे 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट, जब हमें आज़ादी मिल गई। तो गाइज ये था आज का सेशन। अगला जो सेशन होगा हमारा सैटरडे को, उसमें हम सैटरडे को पढ़ेंगे सारे के सारे काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, जितने भी इंडियन काउंसिल एक्ट है वो हम पढ़ेंगे। और फिर जो संडे वाला सेशन होगा उसमें हम आज़ादी मिल जाएगी, हम पढ़ेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ऑलराइट, तो ये सैटरडे और संडे के टॉपिक्स हैं। आई होप आपके सेशन अच्छे लग रहे हैं गाइज। इफ यू आर लाइकिंग द सेशन देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं सैटरडे के सेशन में। गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।